मुझे लगता है कि पिछले वाले वीडियो में आपको मजा आया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो भी आई एम सॉरी, आपको देखना तो पड़ेगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना है। अब जब हम ट्रैक अगले पर जा रहे हैं, हर बार कुछ नया होगा तो मजा आएगा। सेम ट्रैक पर मैंने कहा, तुमने कहा हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, ये सब नहीं होता है, राइट। ओके, अब मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ इस चीज़ को आप मेरे साथ लेके चलना है। आप कोशिश करना, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप लेकर बैठ सकते हैं और मैं बोलता जाऊँ और आप लिखते जाओ फटाफट, राइट। मुझे पता है आप सही लिखेंगे और गलत भी हो जाए कुछ बात से नहीं डरते हम, टेंशन नहीं है, कंटिन्यू, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। रेगुलर 5 to 6 से 7 मिनट आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो समझिए गए, इसलिए शुरू करिए। ओके, मेरे साथ। ओके, आज शाम को 3 बजे मैंने मेरे दोस्त को फोन किया। मैंने मेरे दोस्त से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, कब? मैंने कहा, आज शाम को तुम कब कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं आज होटल रेसिडेंसी जाऊंगा। मैंने कहा, क्यों, रेसिडेंसी में कोई प्रोग्राम है क्या? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ तुम भूल रहे हो शायद। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं भूल रहा हूं। ओ, आज तुम्हारा बर्थडे है? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ आज पार्टी है मेरी और मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। मैंने कहा, कैसा दोस्त है, मुझे नहीं बुला रहा है? क्यों नहीं बुला रहा है? उसने कहा, तुम्हें याद नहीं मेरा बर्थडे, इसलिए मैं नहीं बुला रहा हूँ। मैंने कहा, यार ऐसा मत कर, सभी लोग आ रहे हैं क्या? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ऐसा मत कर यार, प्लीज़ बुला ले यार, मम्मी घर में नहीं है, मैं अकेला खाना बना रहा हूँ, प्लीज़ बुला ले यार, प्लीज़ बुला ले यार, बुला ले भाई, प्लीज़ भाई भाई। उसने कहा, ठीक है आ जाना, लेकिन तुम सबसे बाद में खाना खाओगे क्योंकि तुमने विश नहीं किया। मैंने कहा, अरे बाद में कोई खाना रिमेनिंग छोड़ेगा क्या? विल समबडी रिमेन द फूड, विल समबडी लीव द फूड रिमेनिंग? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, शर्त यही है, कंडीशन यही है, तुम आओगे बट खाना सबसे बाद में खाओगे। मैंने कहा, चल ठीक है, लेट मी इन, मुझे अंदर तो आने दो। मैंने कहा, ना 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 ना, पहले प्रॉमिस करो खाना बाद में खाओगे मेरे साथ, मैं सबसे बाद में खाऊंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा, क्यों उल्लू बना रहे हो, तुम्हारा बर्थडे है, सब तुमको केक खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, ऐसा खिलाएंगे, वैसा खिलाएंगे, वैसे ही पेट भर जाएगा तुम्हारा। मेरे दोस्त ने कहा, नहीं नहीं नहीं। मैंने मेरे दोस्त से कहा, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं पूरा मदद करूँगा, लास्ट में खाना खाऊंगा, चल ठीक, ओके बाय। मैं तैयार हुआ, होटल गया, होटल में देखा कुछ नहीं था। मैंने पूछा, यहाँ कोई बर्थडे पार्टी थी क्या? होटल पूछा वेटर से, यहाँ कोई बर्थडे पार्टी थी क्या? वेटर ने कहा, हाँ 5 to 6 पार्टी थी, अभी सब ऑफ है, अभी सिर्फ बर्तन धुल रहे हैं। मैंने कहा, कुछ बचा है क्या? तभी मेरे दोस्त को देखा मैंने, मैंने कहा, क्यों, तुम तो कह रहे थे 6 बजे पार्टी है, यहाँ तो सब पार्टी फिनिश। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ तुम्हारी पार्टी तो 6 बजे, ये बचा है, आ जाओ मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। मैंने कहा, हाँ मैंने देखा, जलेबी की चाशनी थी वहाँ, भटूरे आधे थे, छोले का पानी था, चने चने नहीं थे। मैंने उसका, मैं नहीं खाता है कचरा, तू खा। उसने कहा, मैं खा चुका, तेरे लिए छोड़ा है। मैंने कहा, कैसा दोस्त तू? उसने कहा, तू कैसा दोस्त है, दोस्त का बर्थडे भूल गया? मैंने कहा, भाई सॉरी भाई, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया, देख। मेरे दोस्त ने कहा, बताओ बताओ गिफ्ट क्या है, फिर मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा, ये देख, मैंने एक कागज पर एप्पल बनाया, उसको बोला, ये देख तेरा गिफ्ट एप्पल। उसने कहा, बहुत बढ़िया, तो मुझे कागज का एप्पल दे रहे हो? रुको, वो गया और खाली प्लेट लाया, उसने मुझसे कहा, ये लो पनीर पकौड़ा। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, हवा में, खा लो। मैंने कहा, वाह
हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे को दो दो झापड़े दिए और फिर दोनों ने एक साथ खाना खाया, क्योंकि हर एक दोस्त कमीना होता है। ओके, सो कितना बना आपसे ये, हाउ यू कुड मेंटेन इट, कितना बना आपसे, ये मायने रखता है। आप वो लोग हैं जो, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे जो मेरे यहाँ से कंप्लीट कोचिंग कर चुके हैं, आपने देखा होगा जब भी कभी आप ट्रांसलेशन की बात पर आते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाना होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो सेंटेंस जैसे बोल रहा हूँ उसको वैसे ही बोले, उसको अलग तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। इस ट्रांसलेशन को कीजिए और देखिए आपको ठीक लगेगा, और अगर आपको दिक्कत होती है इसको पलटा कर एक बार देखिए, पलटा कर दो बार देखिए, 10 बार देखिए, आपका राज चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप बढ़िया तरीके से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थोड़ी सी हैवी टॉकिंग लेके आएंगे, जिस टॉकिंग के लिए आप तैयार रहे। अगला आपके लिए तैयार है कन्वर्सेशन, बोले तो अगला आपका लाइव क्लास रेडी है, तब तक लिए रेडी रहे, टेक केयर, गुड बाय, मीटिंग सून, जल्दी। अच्छा सुनिए, फिर कह रहा हूँ, पूरा देखो, पूरा और दोनों ही पूरा, राइट, गुड बाय।